हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय के रो हाल है के ना छी यहां सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनकम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबो नमस्तु भ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मकर राशि फल 2023 के बारे में कि मकर राशि वालों का 2023 का समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहने वाला है तो किस मामले में खराब रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इतनी विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की जानकारी, इतनी डिटेल्ड जानकारी प्राप्त नहीं की होगी। देवी और सज्जनों, आप लोगों के सहयोग के कारण ही आज आपका ये चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है। अभी जितने कम समय में ये दुनिया में अपना सबसे बड़ा स्थान हासिल किया उतना आज तक इतने कम समय में किसी भी ज्योतिष के चैनल ने इतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं किया। और इस प्रोग्रेस में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मेहनत नहीं मानता, मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि इसमें आपकी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी की मेरी। क्योंकि अगर आप ईमानदारी पूर्वक हमारे वीडियो को नहीं देखते, अगर आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया होता, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया होता तो आज ये वीडियो, ये चैनल इतने कम समय में 5 साल के अंदर में दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष का चैनल बन जाना इतना आसान नहीं था। क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं यहां पर में जो है वाकई, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आपका यह चैनल मिश्रा फॉर यू दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष का चैनल बन गया। देवी और सज्जनों, आइए इस पर में हम लोग चर्चा आरंभ करें। ये मूल रूप से जो हमारा वीडियो है वो मकर राशि फल 2023 के बारे में है चंद्र राशि के अनुसार। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या जानकारी देने वाला हूं वो पहले आप नोट कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मकर राशि वालों के कौन कौन से वो गुण हैं जो इनको जीवन में बहुत आगे ले जा सकते हैं, कौन कौन सा वो अवगुण है जो इनको जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींचने का प्रयास करेगा, मकर राशि वालों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मकर राशि वालों के लिए शुभ अंक, भाग्यशाली अंक कौन सा है, मकर राशि वालों को किस राशि के साथ दोस्ती और विवाह करना चाहिए, देवी और सज्जनों मकर राशि वालों के लिए कौन सा दिन शुभ होता है, ये सब जानकारी भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मकर राशि वालों के लिए ये आने वाला वर्ष, ये आने वाला साल 2023 कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहने वाला है, शनिदेव आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं तो देव गुरु बृहस्पति आपको कितना परेशान करने वाले हैं, इन सभी विषय के बारे में एक एक बिंदु पर में बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत ही संक्षिप्त में 40 से 45 मिनट में इस वीडियो को खत्म कर दूंगा और आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले मकर राशि वालों के सकारात्मक गुण, जो अच्छा गुण है इसमें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं जो गुण अवगुण मकर राशि वालों का बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, किसी भी मकर राशि वाले व्यक्ति को अपने मन में बसा लें और मैं जो बताने जा रहा हूं आप देखें कि ये गुण उसमें है या नहीं, जो अवगुण मैं बताने जा रहा हूं वो अवगुण उसमें है या नहीं, जो पसंद मैं बताने जा रहा हूं उन चीजों को वो पसंद करता है या नहीं, और जो नापसंद बताने जा रहा हूं उन चीजों को वो नापसंद करता है या नहीं। आप सभी चीजों को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसको तौलें
तौल करके देखें कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना सही है, फिर कमेंट में बताएं कि गुरुदेव आपने जो बताई वो 80% सही है, 90 या 100 के 100% सही है, फिर आपका कमेंट में जरूर पढ़ूंगा और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लेकिन कमेंट पूरे ईमानदारी के साथ आप करना, ऐसा नहीं कि आपको मुझसे प्रेम है तो आप उसमें कम या ज्यादा कर देना, आपको जितना प्रतिशत लगे 80, 90, 100, तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहला गुण मकर राशि वालों का, ये उदार होते हैं, ये बहुत ही उदार होते हैं। इनकी उदारता इतनी होती है कि अपना से जो बलवान व्यक्ति है, जिसकी हैसियत अपने से ज्यादा है, वो व्यक्ति भी अगर इनसे कुछ मांगने के लिए आ जाए, जबकि उसके पास में होगी वो चीजें, फिर भी मांगने के लिए आ जाए, तो ये मकर राशि वालों की महानता तो देखिए, ये मना नहीं कर पाते। इनकी उदारता तो देखिए, ये उस वस्तु के मोह का त्याग करते हुए और उसको वो चीजें दे देते हैं, जबकि ये जानते हैं कि हो सकता है मुझे जब जरूरत पड़े, तो ये जो हमसे सीनियर व्यक्ति है, ये जो हमसे बलवान है, हमसे ज्यादा धनवान है, हमसे ज्यादा सब कुछ में है, कल होगी मदद की जरूरत पड़ेगी तो ये हमें मदद नहीं करेगा। इन चीजों को जानते हुए भी मकर राशि का सबसे बड़ा गुण, जिसके कारण समाज में दुश्मन भी इनका नाम लेते हैं, कि ये उदारता में कमी नहीं करते। मान लीजिए कि मकर राशि वालों को भूख लगी हुई थी, भोजन करने के लिए बैठने वाले थे और उसी वक्त कोई तीसरा व्यक्ति आ गया जो कह रहा है कि खाना खिला दो। मकर राशि वाले की देखिए, इनका हृदय देखिए, अब ये जान रहे हैं कि इनके पास उतना ही भोजन है, उसके अलावा भोजन है नहीं, इतने ही भोजन में करना है और इतना ही भोजन है जितना कि इनके लिए पर्याप्त है, इनको उतना में भूख जो है जो सिर्फ मिट पाएगी। फिर भी मकर राशि वाले, आह इनकी महानता तो देखिए, आप सिर्फ चित्रण चरित्र चित्रण कीजिए, आप मकर राशि वालों को मन में रख करके मैं जो बता रहा हूं उसको सोचने का प्रयास कीजिए क्या ये है, और आप अनुभव करेंगे कि ये सच्चाई है। ईर्ष्या भाव से बाहर निकल के बस देखना होगा आपको, आप देखेंगे कि वो मकर राशि का व्यक्ति इतना उदार होता है कि अपने भोजन में से कुछ हिस्सा निकाल करके, हो सकता है तो आधा हिस्सा निकाल करके अगले व्यक्ति को भोजन करने के लिए दे दे और खुद आधा पेट ही खा करके आगे बढ़ जाए। ये उदारता दूसरे के पास नहीं होती, ये मकर राशि वालों की उदारता है। देवी और सज्जनों, दूसरा इनका सबसे बड़ा गुण कि ये परोपकारी होते हैं। मकर राशि के लोग हमेशा दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि पर उपकार ही परम धर्म है, और ये है भी वाकई में परोपकार जो है ना, परोपकार यही वाकई में सच्चाई भी यही है कि परोपकार ही परम धर्म है और कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो वो भी परेशानी में फंसा हुआ है, उसको भी इनसे अगर कुछ लाभ हो सकता है तो मकर राशि वाले लोग चुकते नहीं है लाभ देने में। दुश्मन है, समय पर में नुकसान पहुंचा देगा, फिर भी लाभ जो है सो उनको जरूर दे देंगे वो। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कहीं रास्ते में जा रहे थे, कोई दुश्मन है जो इनको देखना नहीं चाहता है, समय पड़ने पर में इनका नुकसान कर सकता है, ऐसा दुश्मन है, ठीक है, ये अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, इन्होंने देखा कि वो बेहोश पड़ा हुआ है, चक्कर आ गया, गिर गया, ये जानते हैं कि इस दुश्मन का ना रहना इनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये व्यक्ति इनको तबाह कर सकता है आने वाले समय में, फिर भी इनकी उपकार की भावना तो देखिए, देखिए जरा दिल खोल करके देखिए कि ये व्यक्ति मकर राशि वाला, वो जो दुश्मन है दूसरा, उसको उठाएंगे, उसका उपचार करवाने का प्रयास करेंगे और साथ में भगवान की कृपा रही तो इसको ले करके जा करके उसके घर तक छोड़ करके आएंगे। दुश्मन है जबकि,
फिर भी आह बड़ा अद्भुत इनका विचार होता है। भगवान की कृपा से पहला गुण इनका उदारता इनको समाज में बहुत मान सम्मान दिलाता है। दुश्मन भी नाम ना ले सामने में, लेकिन पीछे में दिल जो है उसका ये जरूर एक्सेप्ट करता है कि ये जो व्यक्ति है बड़ा उदार है। इनके परोपकार की चर्चा भी हर जगह लोग करते हैं और इनके परोपकार के बारे में इनकी जब मृत्यु हो जाएगी, ये जब इस लोक में नहीं रहेंगे, फिर भी इनके आने वाले वंशजों को, आने वाले अग्रजों को उसका लाभ मिलेगा और लोग चर्चा करेंगे कि तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारे नाना जी ऐसे थे, वो ऐसे ऐसे करते थे आपके बारे में। मकर राशि वाले लोग, आपकी उदारता की चर्चा, आपके परोपकार की चर्चा निश्चित तौर पर में होगी, मैं आपको बता रहा हूं, धैर्य रखिए। ये दो गुण हुए। तीसरा गुण मकर राशि वालों का क्या होता है कि ये डरते नहीं है किसी से जल्दी। कहते हैं ना कि डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, तो वही वाली बात है भैया, मकर राशि वाले लोग किसी से डरते नहीं है जल्दी। ये बहुत निडर किस्म के होते हैं, बड़ा इनको किसी से भी भय नहीं होता। हाँ, सम्मान बस किसी को जवाब ना दे, इज्जत प्रतिष्ठा बस अगले व्यक्ति को आदर भाव देते हुए उनके बातों को सुन ले, दो बार वो डांट रहा है तो उसकी बातों को समझ ले, वो अलग बात है। लेकिन लेकिन ये जल्दी किसी को, किसी से डरते नहीं। सामने वाला व्यक्ति कितना भी बलवान बलशाली क्यों ना हो, कितना भी व्यक्ति वो दबंग क्यों ना हो, कैसा भी हो गुंडा हो रंगबाज क्यों ना हो, लेकिन इनकी एक अलग ही ठसक होती है, ये एक अलग ही रुआब में रहते हैं मकर राशि के लोग, और इनके कलेजा जो है इनका बड़ा मजबूत होता है। डर की चिड़िया का नाम है, ये जीवन में बहुत कम बार अनुभव कर पाते हैं मकर राशि वाले। ये तीसरा गुण है इनका। चौथा गुण कि ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये किसी के अंडर में रह करके काम करना पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि मैं बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि मैं छोटा मालिक बन जाऊं, मैं छोटा ही काम करूंगा, दो पैसा ही कमाऊंगा, लेकिन अपना मालिक खुद ही रहूंगा। स्वतंत्रता इनको बहुत प्रिय है, ये किसी बॉस के अंदर में नहीं रहना चाहते, नहीं, ये किसी बॉस के अंदर में नहीं रहना चाहते। इनका ऐसा मानना होता है, ऐसा सोचना होता है कि स्वतंत्र जीवन का एक अलग मजा है। ये कहते हैं कि पर अधीन सुख सपना हूं नाही, इस बात को मानने वाले ये होते हैं कि दूसरे के अधीनता में सुख की कल्पना करना भी बेकार है। देवी और सज्जनों, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये नेचर से इनका बहुत लगाव होता है, प्रकृति से जो है इनका बहुत लगाव होता है, प्रकृति को ये बहुत मानते हैं, उनके करीब रहना, उनको पसंद करना बड़ा अच्छा लगता है इनको। देवी और सज्जनों, ये मकर राशि वाले लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर आप इनको कोई जिम्मेदारी दे दोगे तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो काम हुआ होगा या नहीं। अगर जिम्मेदारी इनको दे दी गई और इन्होंने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली, ले ली, इसके लिए इनको कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, इसके लिए इनको कितना भी घोर परिश्रम क्यों ना करना पड़े, ये उस जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर वे पूरा करेंगे। ये इनका पांचवा छठा गुण है। ये अगला कि जीवन में अनुशासन को ज्यादा महत्व देते हैं, ये अनुशासनहीनता इनको अच्छी नहीं लगती। अनुशासित रहना, अनुशासित खाना, अनुशासित सोना पीना, साथ में रहना चलना, अनुशासन प्रिय होते हैं। इनका मानना होता है कि कैसा शासन बिन अनुशासन, वो सत्ता कैसी होगी, वो शासन कैसा होगा जहां पे अनुशासन ही नहीं। और वाकई में ये बात है कि जिस देश में अनुशासन नहीं, जिस राज्य में अनुशासन नहीं, जिस जिला में अनुशासन नहीं, जिस गांव में अनुशासन नहीं, जिस घर में अनुशासन नहीं, उस घर के लोग, उस घर के बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं।
गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। इसलिए अनुशासन का होना वाकई में जीवन में बहुत जरूरी है, ये मेरा भी मानना है। और मकर राशि वालों ने इस पे मोहर लगा रखा है। देवी और सज्जनों, ये आत्म नियंत्रित होते हैं, अपनी आप को नियंत्रण करने की जो क्षमता है वो इनमें कमाल की होती है। ये अपने आप को नियंत्रित करना जानते हैं, ये अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मन पर में काबू करना अगर किसी को सीखना है तो वो मकर राशि वालों से सीखे बहुत जल्दी। अगर कोई मकर राशि का व्यक्ति साधना करना चाहता है, मन पर में काबू करना चाहता है, थोड़ा दिन प्रयास करे, बहुत कम समय में उसको सफलता मिल जाएगी। देवी और सज्जनों, ये एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट होते हैं, ये बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मकर राशि का व्यक्ति जहां भी मैनेजर होता है, जिस संस्था जिस कंपनी में भी, उस कंपनी का प्रबंधन उस कंपनी का मैनेजमेंट जो है बड़ा कमाल का होता है, बहुत सुंदर होता है। वहां पर मैं आपको अव्यवस्थित चीजें जल्दी दिखाई नहीं देंगी। ऐसा क्यों? और भी लोग हैं करने वाले, लेकिन नहीं, ये मकर राशि के मैनेजमेंट का असर बड़ा सुंदर जो है इनका ये होता है। बात करें कुछ अवगुण की, तो इनको ऐसा लगता है, बुरा मत मानना, मैं सच्चाई से अवगत करवाने जा रहा हूं आपको, मकर राशि वालों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जानते हैं, ये समझते हैं कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इनका सबसे बड़ा अवगुण है। दूसरा, ये थोड़े से निर्मम होते हैं, ये थोड़े से कठोर होते हैं, जो कठोरता इनको कई बार जीवन में अपयस का भागी बना देती है। इनको एक और अवगुण है, किसी को नीचा दिखाना। ये नीचा दिखाने वाला जो व्यवस्था है इनका, वो ठीक नहीं है, उस पर मैं कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये अवगुण इनको समाज में बहुत बार अपमानित करेगा, कई बार इनको अपमान जो है सो सहना पड़ेगा। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ सब कोई बुरा ही करेगा, ये जल्दी किसी से अच्छे का उम्मीद नहीं करते, इनको ऐसा लगता है कि सब कोई बुरा ही है, बुरा ही करने वाला है, ये अवगुण है। और अवगुण की अगर बात करें तो ये संदेहास्पद होते हैं, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं, व्यक्तियों को संदेह की नजर से देखते हैं, व्यक्तियों को शक की निगाहों से देखते हैं, जो ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को शक करना अच्छी बात नहीं। ये लोग जल्दी आक्रोश में आ जाते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, और ये गुस्सा इनके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, कब गुस्सा में आना है और कब नहीं। क्रोध को जिस व्यक्ति ने हथियार बना करके पेश करना शुरू कर दिया, सीख लिया, वो व्यक्ति जीवन में सफल हो गए। तो इसलिए आक्रोश पे कंट्रोल करें मकर राशि वाले। हिचकिचाहट इनमें बहुत ज्यादा होती है, देने वक्त मदद करना है तो किसी को मदद कर दिया, लेकिन जब लेने की बारी आई तो मैं कैसे लूं, मैं क्या कहूं, मैं कैसे मांगू, ये हिचकिचाहट किसी भी चीज के लिए इनके लिए जो है सो अच्छा नहीं होता। ये स्वार्थ, थोड़े से स्वार्थी किस्म के भी होते हैं, अपना काम बनता भार में जाए जनता, एक तरफ परोपकारी है तो दूसरे तरफ स्वार्थी भी है। पांचवा, कि ये बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, एक दो बार असफलता क्या नहीं मिली, इनको ऐसा लगता है कि अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम मुझसे होने वाला नहीं है, मैं इस काम के लायक नहीं हूं, अथवा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये थोड़े से जिद्दी किस्म के भी होते हैं और अपने जिद के आगे किसी की चलने नहीं देते, इसलिए भी जीवन में इनको कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। देवी और सज्जनों, बात इनके पसंद नापसंद की करूं तो इनको परिवार बहुत पसंद होता है, परिवार के लोग इनको बहुत पसंद होते हैं, परंपरा इनको बहुत अच्छा लगता है, संगीत इनका शौक होता है, शालीन ओहदा पर में रहना इनको अच्छा लगता है। और नापसंद की बात करें
दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं जिसमें कुछ न कुछ इनको नापसंद ना हो। हर चीज में कुछ न कुछ ऐब, कुछ न कुछ इनको नापसंद जो है सो होता ही। बात करें भाग्यशाली अंक की तो 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26 ये सब जो अंक है इनके लिए भाग्यशाली अंक है। शुभ दिन शनिवार, जिस राशि के साथ दोस्ती कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, वो है वृषभ, कन्या और कर्क। वृषभ राशि, कन्या राशि और कर्क राशि के साथ जो है सो मिला जुला करके ठीक रहेगा, वहां पर ना उतनी परेशानी की बात नहीं है। तो ये देवी और सज्जनों, मकर राशि के बारे में कुछ हमने गुण अवगुण आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि गुण अवगुण अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आप इस पर में रेटिंग करें, राशिफल तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अब आप इस पर में रेटिंग करें कि हमने जो आपको जानकारी दी मकर राशि के बारे में वो कितना प्रतिशत आपको सही लगा, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%, ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी सही लगी। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे राशि फल 2023 के बारे में। देवी और सज्जनों, आप देख रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है मकर राशि फल 2023 चंद्र राशि के अनुसार। जिस किसी भी व्यक्ति की नाम राशि मकर है वो भी देखें, और जिसकी जन्म राशि मकर है वो लोग भी इस वीडियो को देखें। ये कुंडली जो बनी हुई है गोचर कुंडली, ये मकर राशि वालों के लिए है। देख रहे हो कि गुरु का मेष राशि में 22 अप्रैल से प्रवेश हो जाएगा और शनि का कुंभ राशि में 17 जनवरी से प्रवेश हो जाएगा। मकर राशि वालों के स्वामी, मकर राशि वालों के मालिक जो हैं सो शनिदेव ही होते हैं, और शनिदेव मकर राशि के मालिक हैं, मकर राशि के स्वामी हैं। इसीलिए चर्चा भी मैं शनिदेव से ही प्रारंभ करूंगा। इस कुंडली में शनि देव को दो घर मिला है, यानी कि पहला और दूसरा, ये दोनों घर शनि देव का है। पहला अर्थात शरीर का, रंग रूप का, आकृति का, ज्ञान का, बल का, विवेक का, शील स्वभाव का, चरित्र का, विनम्रता का, ये सब का। और दूसरा अर्थात धन धान्य संपत्ति का, कुटुंब का, वाणी का, दान पुण्य का, बोलने का, जिह्वा का, पड़ोसी का, आंख का, इन सब का भाव। ये दो घर शनिदेव को मिला। इन दोनों घर में शनिदेव का स्वामित्व है, और आप देखेंगे कि 17 जनवरी से शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, ये कुंभ राशि का भाव है जो शनिदेव का अपना घर है। कहते हैं ना कि अपने घर में, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, नहीं अपने यहां पर में तो कोई कुछ भी कर सकता है, जरा करना है तो बाहर करके दिखाओ, नहीं ऐसी बातें अक्सर लोग कर दिया करते हैं आवेश में आकर। तो शनिदेव यहां पर में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर बड़ा सुखद परिणाम देने वाला है। जैसे मैं देख लो कि 17 जनवरी के बाद से कुंभ राशि वाले लोगों को धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति का योग बन जाएगा। कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पैसा आना शुरू हो जाएगा अपने आप जो है सो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा उनको मिलना शुरू हो जाएगा। पैसा मिलना ही नहीं, ये भाव दूसरा,
बैंक बैलेंस का भी है, सेविंग अकाउंट्स की भी है। तो इस समय में कहीं ना कहीं से मकर राशि वालों को पैसा जमा भी होना शुरू हो जाएगा। पैसे की आवत तो होगी ही, और आवत के साथ साथ पैसा टिकने वाली जो बात होती है कि पैसा गुरुदेव टिकता नहीं है, तो इस समय में खास करके मकर राशि वाले लोगों को पैसा टिकना शुरू होगा, पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि धन धान्य संपत्ति के मामले में ये धीरे 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 जो है सो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे मकर राशि के लोग 17 जनवरी के बाद से। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है ये आपके परिवार और कुटुंब का भी होता है, जिसके कारण से शनिदेव के कारण यहां बैठने के कारण आपको परिवार के लोगों से भी कुछ लाभ मिलेगा। आपको अपने कुटुंब से भी जो रिलेशन में है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी आपको कुछ ना कुछ जो है सो फायदा मिलने का योग बन रहा है। वहां से भी कुछ ना कुछ फायदा आपको अवश्य प्राप्त होगा। यानी कि धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति तो हुई ही, लेकिन पारिवारिक लोगों से, कुटुंब से, रिलेटिव से, अपने लोगों से भी कुछ ना कुछ लाभ के प्राप्ति का शनिदेव ने देवी और सज्जनों योग बना दिया। ये जो दूसरा भाव है आपके वाणी का भी होता है, आपके वाणी का, जो हम और आप बोलते हैं। कोई व्यक्ति कितना मीठा बोलेगा, कितना कर्कश बोलेगा, उसकी वाणी कैसी होगी, इन सब बातों का जो निर्णय है सो किया जाता है कैसे, तो दूसरे भाव से। और शनिदेव के यहां बैठने के कारण वाणी आपकी, शनिदेव क्रूर ग्रह है नहीं, जिसके कारण से वाणी जो है आपकी तीखी हो जाएगी। इस समय में कड़वे शब्द का ज्यादा प्रयोग करोगे, तीखे शब्द का प्रयोग करोगे, जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए भी ठीक नहीं है। प्रयास ये रहे कि ना बोले, और बोले तो मीठा बोले, क्योंकि कड़वे शब्द के, गलत शब्द के प्रयोग का योग बन रहा है। ये जो भाव होता है दूसरा, वो सत्य का भी होता है और असत्य का भी होता है। तो शनिदेव के बैठने कारण मौका लगने पर मैं असत्य भी बोलोगे आप, लेकिन सत्य इतना तीखा बोलोगे कि लोगों को लगेगा कलेजा चीर दिया, हृदय फट गया, इतना तीखा और कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे। इसीलिए मैं आपको सावधानी बरतने की देवी और सज्जनों सलाह देता हूं मकर राशि वाले वाणी के क्षेत्र में। ये जो भाव है दूसरा, वो दान पुण्य करने का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको दान करने का सुअवसर प्राप्त होगा। कहते हैं कि दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है। दुर्गति, दुर अर्थात जो भयंकर है, कठिन है, वैसी गति भी अगर आपकी हो गई है ना, तो उसकी भी नाश हो जाती है धीरे धीरे। दान करना अर्थात अपने पाप को कम करना, दान करना अर्थात अपने पाप को कम करना। जितने लोगों को आप दान करके कोई चीज देते हो, आप ये समझो कि आपकी जो बला है, आपकी जो परेशानी है, वो ज्यादातर लोगों के पास चली जाती है, वो बट जाती है, वो आपके पास में सिर्फ जो है सो नहीं रुकती है। इसलिए दान करना चाहिए, और आप दान करेंगे भी। ये दूसरा भाव आपके जीभ का होता है, जीभ अर्थात स्वाद का। इस समय में बड़ा तीखा, चटकरा सा, मसालेदार वगैरह 17 जनवरी के बाद विशेष खाने का मन करेगा, और तीखा खाना इस समय में आपको अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि और तीखा खाएं, थोड़ा और चटपटा खाऊं थोड़ा, हाँ। इस प्रकार की चीजें जो है सो आपके मन में विशेष तौर पर में मकर राशि वाले आएंगे। ये दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है। भगवान शनिदेव की कृपा से मकर राशि वाले इस समय में
17 जनवरी 2023 के बाद आपको अपने पड़ोसी से भी लाभ का प्रबल योग जो है सो बनेगा। और सज्जनों, शनि की यहां से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। चौथा भाव जो है सो सुख का होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको सुख प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। शनि देव की महिमा के कारण, शनि देव की कृपा के कारण आपको सुख की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है सो सिर्फ सुख का ही नहीं, आपके मां का भी होता है। कहते हैं कि दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है, मौत भी सामने आ जाए तो हमारी जान बचा जाती है। दुआ तो औरों की भी लगती है, दुआ सबकी लगती है, लेकिन मां के दुआ के बराबर, मां के आशीर्वाद के बराबर दुनिया में किसी का भी जो है सो दुआ आशीर्वाद नहीं लगता। इसलिए मां को कभी भी तकलीफ देने का प्रयास ना करें, उनके दिल को हंसी मजाक में भी दुखाने का प्रयास ना करें। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों को इस समय में मां से भी विशेष सुख का योग बन रहा है। मकर राशि वाले जो लोग मकान बनाना चाह रहे थे, मकान खरीदना चाह रहे थे, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे थे, उनको मकान के सुख का योग बन रहा है। उनको कहीं ना कहीं से जो है सो मकान की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं से वो मकान बना सकते हैं, मकान खरीदने का प्लानिंग कर सकते हैं। मकान के भवन के सुख का योग मकर राशि वालों को 2023 में बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि जो लोग जमीन खरीदना चाह रहे थे, मकर राशि के हैं, उनके लिए जमीन खरीदने का भी योग बन रहा है। जमीन से संबंधित अगर किसी प्रकार का लफड़ा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति चल रही थी, तो भगवान की कृपा से इस समय में जमीन की परेशानी भी दूर होगी और आपके लिए वो भी समय बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि ये चौथा भाव जो है सो जमीन का ही नहीं, आपके समस्त अचल संपत्ति का होता है। तो कहीं ना कहीं से आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति का, किसी भी मामले में, जमीन के मामले में हो, मकान के मामले में हो, बगीचे के मामले में हो, पेड़ पौधे के मामले में हो, कैसे भी हो, अचल संपत्ति के सुख का, प्राप्ति का भी मकर राशि वालों को 2023 में योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि ये भाव वाहन का भी होता है, गाड़ी का। जो लोग गाड़ी खरीदने का बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, साल 2023 में वो नया वाहन, नई गाड़ी ले सकते, गाड़ी की प्राप्ति का योग बन रहा है उनके लिए, वो लोग गाड़ी खरीद सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है चौथा, वो अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी होता है। 2023 में बीच बीच में आपको अचानक से धन हानि भी होती रहेगी, धन लाभ भी होता रहेगा। जो लोग छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको कुछ राहत मिलने का भी योग बनेगा, वो कुछ इस समय में राहत में भी रहेंगे। देवी और सज्जनों, यहां से शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ गई। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे 2023 में, जिनका प्लानिंग विदेश का है, उन लोगों को भी नया मार्ग, नया रास्ता विदेश जाने का दिखाई देगा, खुलेगा। वहां जाकर के ये कुछ न कुछ विशेष काम, कुछ बढ़िया बड़ा काम करने का प्लानिंग कर सकते हैं और विदेश जाएंगे। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं, शनिदेव की कृपा से उनको यहां से विशेष धन लाभ का योग बन गया, यहां पर दृष्टि पड़ने के कारण अचानक से बनता हुआ काम जो बिगड़ रहा था, वो भगवान की कृपा से फिर से बनना शुरू हो जाएगा। सारी चीजें धीरे धीरे करके फिर से
ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी और आपके लिए बड़ा सुंदर समय रहेगा। यात्राएं भी खूब करनी पड़ेगी 2023 में, बहुत भाग दौड़ करोगे, इधर उधर बहुत घूमोगे। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 कुंडली के एकादश भाव पर में, जिसके कारण से आपको आय में वृद्धि का योग बन गया। शनिदेव की कृपा से इनकम में वृद्धि होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक रात में, एक ही साल में आप मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अडानी और टाटा बन सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, जितनी आमदनी आपकी थी उसमें जरूर ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसमें जरूर बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। देवी और सज्जनों, आय के साथ साथ लाभ की बात की जाए तो इस समय में लाभ प्राप्ति का भी योग है। सिर्फ आय मिलना खूब नहीं है, आय के साथ साथ अगर लाभ की भी प्राप्ति होना तब उस आय का महत्व है। नहीं, जैसे मान लो कि इस मार्कर को मैंने 25 का खरीद के लाया और इसको 25 में ही बेच दिया, आय तो 25 रुपए की हुई लेकिन लाभ नहीं मिला। मैं इस मार्कर को 25 का लाया और 30 का बेच दिया, 5 रुपए का फायदा हुआ ना, इसको कहते हैं लाभ। उपलब्धि की प्राप्ति का भी भाव यही होता है, जिसके कारण से आपको उपलब्धि की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। मकर राशि वाले, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, जो इच्छा थी, जिस कार्य को आप पूरा करना चाह रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था, भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी वो सभी की सभी इच्छाएं इस समय में पूरी होने के योग बन रहे हैं। बड़े भाई बहन सीनियर्स, उन सब से अगर लाभ लेना चाह रहे थे तो वहां से भी कुछ लाभ मिलेगा। पुत्र वधू दामाद के सुख का भी प्रबल योग बनेगा आपके लिए। मकर राशि वाले, महर्षि कह रहे हैं कि हर तरफ से बढ़िया समय दिखाई दे रहा है आपके लिए, लेकिन देव गुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट है वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। बृहस्पति का यहां पर में मेष राशि में बैठना ठीक नहीं है। चौथे भाव में बृहस्पति के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि आपको मानसिक अशांति का शिकार होना पड़ सकता है। मकर राशि वाले, मानसिक तौर पर में इस समय में आप अशांत रहेंगे, मन जो है आपका शांत नहीं रहेगा। कब से? 22 अप्रैल से। धन की हानि का भी कुछ योग बनेगा। शनिदेव अपना काम करेंगे, शनिदेव का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो अपना मिलेगा और इसका जो निगेटिव रिजल्ट है वो अपना मिलेगा। कह रहे हैं कि धन की हानि का भी कुछ योग बनेगा और आपके चेहरे पर जो तेज है, कांति है, उसमें भी छह आएगी, कमी आएगी कुछ। शत्रु वृद्धि के कारण भी कुछ कष्ट होगा, दुश्मन जो है अपने आप इस समय में बढ़ता चला जाएगा, दुश्मनों की संख्या जो है सो बढ़ती चली जाएगी। देवी और सज्जनों, आपको जन्म स्थान से हो सकता है तो दूर भी जाना पड़ सकता है। जो जगह है जहां जन्म हुआ है आपका, उस जगह को छोड़ करके आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे देश, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे जिला, कहीं और आप जा सकते हो। महर्षि कह रहे हैं कि जमीन जायदाद तथा परिवार के सदस्यों का सुख इस समय में आपको मिलने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आप देख लो, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही थी जिसमें जमीन जायदाद मकान इन सब का योग बन रहा था, गुरु के यहाँ बैठने कारण इस मामले में अब बाधाएं उत्पन्न होंगी। यानी कि जमीन खरीदने में, मकान बनाने में, अचल संपत्ति की प्राप्ति में, गाड़ी लेने में अब आप अनुभव करोगे 2023 में कि ये सब काम आपका इतना आसानी से नहीं हो रहा है। इन सब कार्य को करने में अब आपको विशेष परिश्रम करना पड़ रहा है, ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है। लेकिन हाँ, ये तय है कि अगर आप घबराओगे नहीं तो आपको ये शनि जो है ना, निश्चित तौर पर में अपना किया वादा पूरा करेगा। लेकिन घबराना नहीं है, कलेजे को मजबूत रखना है, परिस्थिति से टकराने के लिए तैयार रहना है। जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति कुछ न कुछ की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। महर्षि कह रहे हैं
कि मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, राज्य के तरफ से जो है सो कुछ विवाद की स्थिति सामने आ सकती है, कुछ परेशानी जो है आपको परेशान कर सकता है, उस मामले में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, हर मामले में समय मिला जुला करके ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देव गुरु बृहस्पति के निगेटिव होने के कारण कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस परेशानी से भी निपटने का रास्ता है मेरे पास में। आप ऐसा करेंगे कि बृहस्पति बार जब भी आए, महीने में एकाध बार किसी बृहस्पति बार को 22 अप्रैल के बाद केला किसी पशु को खिला दे, किसी आदमी को दे दे, गाय को खिला दे, इससे आपका कल्याण होगा। संभव हो तो किसी बृहस्पति बार को जाकर के भगवान विष्णु के मंदिर में, ना संभव हो तो घर पर में ही नमो बृंद बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कर लिया करें, एक माला जब भी मौका मिले, हो सके तो सभी बृहस्पति बार को नहीं तो कम से कम महीने में एक बार भी जब भी मौका मिले जरूर किया करें, इससे आपका कल्याण होगा, इससे आपको आने वाली जो परेशानी है देव गुरु कारण वो कम होगी, वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो यही थी मकर राशि वालों की 2023 की राशि फल। हर एक चीज को बहुत ही आसान शब्दों के साथ समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।